आप देख रहे हैं जी बिजनेस 5 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। ट्रेनों में सबसे ज्यादा शिकायत खान पान को लेकर होती है और जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि रेलवे ने खान पान के पूरे सिस्टम को ही बदल डाला है और जी बिजनेस की इस खबर पर मोहर लग गई क्योंकि 15 जुलाई से ट्रेनों में खान पान का अंदाज बदल जाएगा। रेलवे ने मेन्यू से लेकर तौर तरीकों में बदलाव किया है। खाना कैसे परोसा जाएगा, क्या परोसा जाएगा, कितना परोसा जाएगा, सब कुछ बदल दिया है। तो 15 जुलाई से रेलवे में नया खान पान, नई थाली, अच्छी क्वालिटी। तो जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है और हम आपको बताएं, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने हम तक यह खबर पहुंचाई थी। हमारे साथ लाइव समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, आपने इस खबर को हम तक पहुंचाया था, चलिए समीर से थोड़ी देर में बात करते हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरीके से सबसे ज्यादा शिकायत खाने पीने को लेकर जो रेलवे में होती है, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको लेकर रेलवे काफी गंभीरता से विचार कर रहा है। ये भी बात हो रही थी कि हो सकता है कुछ आइटम्स जो हैं उनको हटा दिया जाए या उनकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया जाए। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देने की बात लगातार की जा रही थी और हमने जब वो खबर दिखाई उसके बाद इस खबर पर पूरी तरह मोहर भी लग गई है कि हाँ, अब जो मेन्यू होगा रेलवे का वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है और क्वालिटी पे बहुत सबसे ज्यादा उसका एक अलग इंपैक्ट और एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित से बात करते हैं। समीर, ये खबर आपने हम तक पहुंचाई थी, उस पर मोहर भी लग गई है अब, लेकिन ये बताइए किस तरह का बदलाव देखेंगे और खान पान को लेकर क्या इसके बाद यात्रियों की शिकायतें कम होंगी? बिल्कुल, जिस तरीके से जी बिजनेस कैटरिंग की दिशा में लगातार खबरें दिखाता आ रहा है उसी में अब इस पर मुहर लगी है कि रेलवे कैटरिंग में, भारतीय रेलवे में खाना परोसने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें दो दिशाओं पे बड़े कदम, बड़े बदलाव करने जा रहा है। पहला कदम तो यही होगा कि जो खाना परोसने का तरीका है उसमें सुधार किया जाएगा। अब आपके पास खाना जो है वो ट्रॉली पर के जरिए लाया जाएगा और जो प्लेट होगी वो बायोडिग्रेडेबल होगी, यानी कि जो एयरक्राफ्ट पे आप देखते हैं कि जिस तरीके पे बड़े हाइजीनिक तरीके से आपके पास खाना लाया जाता है, बायोडिग्रेडेबल प्लेट होगी, यानी कि वो पर्यावरण के लिहाज से भी माकूल होगी और खाने को साफ़ सुथरे तरीके से आप तक, आपके बर्थ तक परोसा जाएगा। और जो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है, स्टेशन से कोच तक खाना पहुँचाने का भी काम जो है वो ई कार्ट के जरिए होगा, यानी कि मैनुअल इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा कदम है वो खाने के मेन्यू में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, उसमें यह है कि आपके मेन्यू में कई और ऐसे आइटम हैं जो गैर ज़रूरी माने गए हैं, जो कोच के अंदर गंदगी को बढ़ाते हैं। जैसे सूप है, सूप कई लोग नहीं पीते हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर वो अगर फैल जाता है कोच में तो गंदगी का एक बड़ी वजह बनता है, तो सूप को डिसकंटिन्यू कर दिया, सूप अब आपको नहीं दिया जाएगा। अब जो बड़े बदलाव किए गए हैं, चॉकलेट बार आपको दिया जाएगा, जो पैकेज्ड आइटम हैं वो काफ़ी लिमिटेड होंगे। ड्राई सब्जी को, सूखी सब्जी को भी परोसा जाएगा। जो अब तक जो चिकन आपको परोसा जाता है वो भी बोनलेस किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह बनती है कि लोग चिकन की सब्ज़ी खाकर उसको जिस तरीके से छोड़ देते हैं तो कोच में वो भी कई बार फैलती है तो गंदगी का सबब बनती है। तो ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कैटरिंग में खाना जो है उसकी क्वालिटी में सुधार हो और परोसे जाने के अंदाज में भी उसमें भी हाइजीनिक तरीके से उसको परोसा जा सके। जी समीर, क्वालिटी अच्छी, कई आइटम्स में बदलाव, लेकिन क्या जो पैसे देने पड़ेंगे उसमें भी बदलाव होगा, ज्यादा पैसे, ऐसा कुछ खबर? बिल्कुल सही सवाल। फिलहाल आपको ये बदलाव के लिए जो है कोई अतिरिक्त, कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना होगा। 15 जुलाई से ये तमाम बदलाव वो है लागू हो जाएंगे और रेलवे का लक्ष्य ये है कि 3 महीनों में इन बदलावों को लगभग पूरे सिस्टम में, पूरे नेटवर्क में इन बदलावों को लागू किया जाए, लेकिन इसके एवज में यात्रियों को अतिरिक्त कोई पैसा अपनी जेब से नहीं देना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक शुरुआत है जिसके तहत मेन्यू को रैशनलाइज किया जाएगा, यानी कि खान पान में सुधार किया जाएगा, क्वालिटी पर फोकस है और खाना परोसने के अंदाज में भी ये बदलाव किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया समीर इस पूरी खबर पर और एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो 15 जुलाई से ट्रेनों में खाना खाने का अंदाज आपका बदलने वाला है। और एक और खबर रेलवे से ही जुड़ी हुई और इसे देश में बढ़ती बेरोजगारी कहे या फिर सरकारी नौकरियों का आकर्षण, हाल ही में रेलवे द्वारा निकाली गई नौकरियों के लिए देश की 1% से ज्यादा आबादी ने अप्लाई किया है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे की 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 2.5 करोड़ अर्जियां मिली हैं।
अधिकारियों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब रेलवे में नौकरी के लिए मिलने वाली एप्लीकेशन 1 करोड़ के पार पहुंच गई। रेलवे खाली पदों को भरने के लिए बड़ा भर्ती अभियान चला रही है, जिसमें 26,000 से ज्यादा लोको पायलट और टेक्नीशियन पद शामिल हैं और इन पदों के लिए परीक्षाएं अगले 2 से 3 महीने में शुरू होंगी और नतीजे साल के अंत तक आ जाएंगे। देखिए, रेलवे ने इस बार वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकाली थी, उसमें असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस के करीब 26,502 पद के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसी तरह लेवल वन हमारे जो पहले ग्रुप डी के लोग थे उनके लिए, उन पदों के लिए करीब 62,907 पदों के लिए हमने वैकेंसी निकाली है और इसके लिए हमें 2,37,34,833 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए थे। पिछले 3 महीनों में लगातार 3 स्तर की हमने स्क्रूटनी की और उसके पश्चात इनकी जांच लगभग कंप्लीट होने वाली है। अगले 7-8 दिन के अंदर ये हम जांच कंप्लीट कर लेंगे, इनकी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी कर लेंगे और इसके पश्चात सितंबर में हम परीक्षा कंडक्ट कराने के प्रयास कर रहे हैं। सितंबर से हम परीक्षा कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं इसलिए परीक्षा कंडक्ट करने में कुछ समय 2-3 महीने का लग सकता है। उसके पश्चात 1-8 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और उसके पश्चात इनका फिजिकल, ग्रुप डी के लोग जो हैं उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो लोको पायलट्स हैं उनके लिए दूसरी चरण की परीक्षा और साइको एनालिसिस टेस्ट होता है वो कराया जाएगा। ये सब प्रक्रिया में मुझे लगता है कि करीब उसके पश्चात और 3-4 महीने का वक्त लगेगा और उसके पश्चात हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। चलिए, रेलवे से ही जुड़ी एक और खबर, कुली की दिक्कतें अब स्टेशनों पर दूर हो सकती हैं। ओला और उबर की तरह अब कुली भी आप बुक कर सकेंगे। रेलवे मिनिस्ट्री को ये सुझाव मिले हैं और वो इस पर काम कर रही है जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधा हो, जिसमें अब जिम्मेदार अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद रेलवे सुविधा को शुरू करेगी। सूत्रों की माने तो ये सुविधा आपको भारतीय रेलवे के मौजूदा ऐप यानी IRCTC के मोबाइल ऐप पर ही मिलेगी और इसके लिए आपको अपने सामान के वजन के हिसाब से कुली को पेमेंट करना होगा। कुली को बुक करने के बाद आपको एक कुली मिल जाएगा।